प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली बड़े तादाद में एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर तकरीबन 2000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग हैं। कामदारों के शोषण का मामला यहाँ पर आम बात है। एक ऐसा ही मामला बीते दिनों हमें सिलवासा के शहीद चौक पर देखने को मिला, जहां दानहर के लुहारी विस्तार में स्थित किसी कंपनी से 3 मजदूर ठेकेदार से परेशान होकर किसी तरह भागकर सिलवासा पहुंच गया। ठेकेदार के परिचित एक शख्स ने तीनों में से एक मजदूर को पकड़कर ठेकेदार के पास ले जाने का प्रयास किया। तभी वहां उपस्थित लोगों ने मजदूर का बचाव करते हुए पूछताछ की तो एक ऐसा मामला निकल कर सामने आया जिसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह मजदूर का यहां पर शोषण किया जा रहा है। फिलहाल हम प्रयास में हैं कि यह मामला किस कंपनी की है और ऐसे जबरन काम कराने वाला ठेकेदार कौन है। इसकी विस्तृत जानकारी भी आप तक अगले खबर में उपलब्ध कराई जाएगी। खबर की पूरी पड़ताल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर 8 घंटे का में इतना इतना पैसे मिलेगा, अब 8 घंटा करना है, खाना पीना। पगार बताया तुमको? इतना पगार बताया? पगार बताया 450 रुपया 8 घंटे का। हाँ, हेल्पर का। अब फिर बतलाया 600 जो सिलाई करते हैं ना, उसको बक्स चलाते हैं, उसको 600 रुपया 700 मिलता है। ये अपना कैसे लाया था तुम लोग? ट्रेन से लाया था, बस से लाया था? बस से आया था। बस से आया था? पैसा ये कॉन्ट्रेक्टर दिया था लाने का? हमने नहीं देखा किसने दिया। कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है? बोल रहा था कि ये फ्री में हम ले चल रहे हैं। कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है? नाम नहीं जानते। कौन सी कंपनी? हमारा सुपरवाइजर है अनिल, हरेराम। हरेराम और अनिल, कौन सा कंपनी है? इनका कंपनी जो बताया था ना, वही कंपनी का नाम नहीं है। कहाँ है कंपनी? कहाँ है? उधर है, लोहार पाटा के। हमको बोला नहीं है कि फ्री में जा, चलो। हमको बोला है, हम क्या जानते हैं कि पैसा आपका लगा है या नहीं लगा है? फ्री में बोल रहा था तो हम यहाँ पर रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। हेलो, क्या नाम है तेरा? एमडीएल साधन सारी। कहाँ से आया? बिहार से, रोहतक जिला। यहाँ पे क्यों आया था, कौन लेके आया तुमको? बोला था कि पर काम करने के लिए चलो, हम लोग आ रहे थे, बोले कि फ्री में हम ले चलेंगे, आप वहाँ पर काम करना है, नया कंपनी है। हम आए तो यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी हो रहा था, आप कल जो आकर बोला कि नहीं 8 घंटे के नहीं होगा, अब 12 घंटे का होगा। फिर हम लोग का ना उधर काम कर रहे थे कोना में, तो उसने एक नौजवान एक खड़ा था, वो 10 मिनट खातिर हमको बाहर नहीं जा रहे थे पेशाब करने के लिए, हम ना बेनान करने के लिए, जो लैट्रिन बोलते हैं ना उस नहीं करने दिया। बोल रहा था कि तुम्हारा हाजिरी काट देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और सारे हमारे लोग जो सी रहे थे ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभी नया है, और उनको वैसे ना बोल दिया ना कि वो लोग कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पर रहेंगे नहीं। कितने लोग हैं तुम लोग उधर? 85 को। 85 लोग हैं अभी तुमको है। यहाँ पे किसने कहा जा रहा था तुम? हम जा रहा था दूसरे कंपनी जा रहा था। तो यहाँ पे क्या अभी मचा, तू रो क्यों रहा था इधर? इधर इसलिए कि जो बड़ियारी कर रहे थे हम लोग का, जबरदस्ती कर रहा था। जबरदस्ती वहाँ पे और लोग फंसे हुए? और लोग फंसे हुए। कॉन्ट्रेक्टर का नाम क्या है? कंडक्टर के नाम नहीं जानते हैं हम, हमारा सुपरवाइजर अनिल है और राम हरे राम है। कौन सी कंपनी में लेके गए थे तुमको? उधर जो पहाड़ी के पास है ना, जो समुद्र के किनारे। कंपनी का नाम पता चला तुमको? नहीं। तो कैसे डायरेक्ट कंपनी उसके बाद निकलने को नहीं देता तुम लोग को? नहीं। तो अभी तुम लोग 2-3 आदमी निकल के भागे हो?